वेलकम टू ऑनलाइन क्लास वंस अगेन। स्टे होम स्टे सेफ। लेट अस बी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। दिस टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड फ्रॉम द नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम। लेट अस वी हैव द मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। फर्स्टली वी हैव द मीनिंग ऑफ नॉमिनल जीडीपी और वी कैन से द जीडीपी एट करंट प्राइजेस। जीडीपी एट करंट प्राइजेस नॉमिनल जीडीपी का सेकंड नेम कह सकते हैं अपन। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड एट करंट ईयर्स प्राइस। इट मीन्स नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग यहाँ पर दे रखा है और कहा है कि नॉमिनल जीडीपी मींस होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक देश की इकोनॉमी में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है और वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी प्रोड्यूस होती है, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है किसी एक अकाउंटिंग ईयर में, और जिसको हम एस्टिमेट करते हैं करंट ईयर की प्राइस पर। करंट ईयर का मतलब अभी प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस पर जिसे कैलकुलेट कहते हैं, दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी। इसको फार्मूला में लिखा है मैंने, नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू करंट ईयर्स आउटपुट इनटू करंट ईयर्स प्राइस, जिसे हम Q1 इनटू P1 कहते हैं। P1 P0 कंसेप्ट आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, करंट ईयर और बेस ईयर। नाउ वी हैव द मीनिंग ऑफ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के और नेम क्या हो सकते हैं? रियल जीडीपी मींस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट बेस ईयर्स प्राइस। बेस ईयर मतलब जो करंट ईयर नहीं है, जो पिछला वर्ष है, दैट इज़ बेस ईयर्स प्राइस। सो इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी सेम डिफाइन आ रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इट मीन्स एक देश में बनी गई सारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मार्केट वैल्यू किसी एक अकाउंटिंग ईयर में एज एस्टिमेटेड एज बेस ईयर्स प्राइस। लेकिन उसका एस्टिमेशन यानी उसका कैलकुलेशन बेस ईयर की प्राइस से किया गया है। फॉर्मूला में मैंने लिखा है दैट रियल जी डी पी इक्वल्स टू करंट ईयर्स आउटपुट Q1 इंटू बेस ईयर्स प्राइस P0। इट मीन्स करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। आउटपुट हमेशा हमने करंट ईयर का लिया है, चाहे रियल जीडीपी कैलकुलेट करना हो चाहे नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना हो। तो अगर दोनों के फॉर्मूलाज के डिफरेंस को देखा जाए तो डिफरेंस यही है कि नॉमिनल जीडीपी में हम करंट ईयर के प्राइसेस को करंट ईयर के आउटपुट को करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि रियल जीडीपी में हम करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। बस जो आउटपुट हमेशा हमने करंट ईयर का लिया है लेकिन प्राइजेस चेंज हुई है। नॉमिनल में प्राइस करंट ईयर की ही है, रियल में प्राइस बेस ईयर की है। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। नाउ वी हैव रियल जीडीपी। स्टार में मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रियल जीडीपी इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रियल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री देन नॉमिनल जीडीपी एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी एज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल। क्योंकि हम इसमें करंट ईयर की प्राइस को, करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए ये जनरल प्राइस लेवल से अफेक्टेड नहीं होता है। यह एक इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है, लोगों के वेलफेयर को बताता है। सेकेंडली, रियल जीडीपी मींस मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर द कंट्री फॉर द सोसाइटी ड्यूरिंग द ईयर। यानी एक रियल जीडीपी ये बताता है कि एक देश में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं किसी सोसाइटी के लिए। इट मींस वेलफेयर इंक्रीज। लेट अस बी टेक एन न्यूमेरिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। गुड्स आर गिवन ए बी सी। प्राइस ऑफ करंट ईयर इज गिवन P1। प्राइस ऑफ बेस ईयर इज गिवन P0। क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इज गिवन Q1।
एंड वी नीड टू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी। फर्स्ट वी कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P1 इंटू Q1, इट मीन्स प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वान्टिटी ऑफ करंट ईयर। इट मीन्स प्राइस भी करंट ईयर के लिए है, क्वान्टिटी भी करंट ईयर के लिए है। सो 20 × 10 दैट इज़ 2000। ए गुड के लिए 10 × 200 दैट इज़ 2000। बी गुड के लिए 30 × 50 दैट इज़ 1500। सी गुड्स के लिए सो समेशन P1 Q1 इज 5500। इन द सेम वे वी नीड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, बट नाउ वी कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर विद द इनटू द प्राइस ऑफ बेस ईयर। 100 × 10 दैट इज 1000। 200 × 5 दैट इज 1000। 50 × 20 दैट इज 1000। समेशन P0 Q1 इक्वल्स टू 3000। इसमें आगे और बताया गया है द इन द अबव एग्जांपल नॉमिनल जीडीपी हमने कैलकुलेट किया 5500 एंड द रियल जीडीपी इज 3000। द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी इज 2500 माइनस किया हमने। दिस इज ओनली द मॉनिटरी डिफरेंस, ये मॉनिटरी डिफरेंस है एज द क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट रिमेन्स अनचेंज। क्योंकि बेस ईयर हो या करंट ईयर, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, करंट ईयर की क्वांटिटी वही है बेस ईयर के लिए भी और करंट ईयर के लिए भी। एंड द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द नॉमिनल जीडीपी इज मेयरली, जबकि नॉमिनल जीडीपी के में जो वेरिएशन हुआ है वो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइसेस इन द इकोनॉमी बिटवीन द बेस ईयर एंड द करंट ईयर। और ये वेरिएशन, ये जो बदलाव ज़्यादा 1500 का देखा हमने, इसका कारण है प्राइस। प्राइस करंट ईयर की अलग है और बेस ईयर की अलग प्राइसेस है। प्राइस में वेरिएशन के होने के कारण दोनों का अलग अलग जीडीपी आया है। नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज जीडीपी डिफॉल्टर। द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो ऑफ करंट ईयर, इट मीन्स करंट ईयर का रेशियो इज वेल नोन प्राइस इंडेक्स कॉल्ड जीडीपी डिफॉल्टर, जिसे हम प्राइस इंडेक्स कहेंगे और इसी का मतलब जीडीपी डिफॉल्टर होता है। सो जीडीपी डिफॉल्टर कैलकुलेट करने का तरीका दिया है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी डिवाइड करना है। अगर ये डिफॉल्टर परसेंटेज की टर्म्स में दिया हो तो हम जीडीपी डिफॉल्टर कैसे निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी डू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थ्रोली। यस, वी हैव सॉल्व वन ऑफ द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एंड वी हैव कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी अकॉर्डिंग टू द प्राइस गिवन। इन द सेम वे वी नीड टू कैलकुलेट द जीडीपी डिफॉल्टर। लेट्स सी, इन आवर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नॉमिनल जीडीपी समीशन P1 Q1 इक्वल्स टू ₹5500 एंड रियल जीडीपी इक्वल्स टू समीशन P0 Q1 इक्वल्स टू ₹3000। Therefore, GDP defaulter according to the formula nominal GDP upon me real GDP into 100. Nominal GDP is given 5500 upon 3000 multiplied by 100. So it is 183.33%. 183.33% implies that the price have been risen by 83.33%. बिटवीन द बेस ईयर एंड द करंट ईयर। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की प्राइस, करंट ईयर के आउटपुट को देख कर के हमने जो देखा है उसमें ये सीखा है कि करंट ईयर की प्राइस 83.33% बढ़ गई है। यू मे ऑर्डर टू सॉल्व द examples based on real GDP, nominal GDP and GDP defaulter while understanding the term nominal GDP and real GDP.